गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज गए हैं 11:30 और अंश की छुट्टी होने ही वाली है, तो मैं और राज जा रहे हैं अंश को लेने। उसका ना स्कूल परसों से खुल गया है, बाकी एंजू का स्कूल जो है वो कल से खुलेगा। तो चलो चलते हैं। और आज यार बहुत सारे काम करना है, क्योंकि ना अभी एंजल का स्कूल खुला नहीं है और उसकी बुक्स वगैरह भी लेनी है। अंश की भी कुछ बुक्स आ गई हैं, बट कुछ बुक्स लेनी है उसकी भी। तो देखती हूँ मैं कैसे जाऊँगी, क्योंकि राज का शेड्यूल भी आज बहुत ज़्यादा बिजी है, उनको कुछ काम से जाना है बाहर। राज अभी तक आए नहीं, देखती हूँ। चलूंगा चलूंगा। आइसक्रीम कैसे खा रहे हो? चलो। क्या भाई ज्यादा थक गए हो क्या? बहुत ज्यादा। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ और उसके बाद एंजल और राज लंच कर चुके हैं। मैं, अंश और सत्यम तीन लोग बचे हुए थे, तो फिर मैंने सोचा चलो फटाफट रोटी बना देती हूँ। और आज की जो सब्ज़ी है ना, मलाई और प्याज की, सच में इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी है, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी है कि पूछो ना। अंश का तो एकदम पूछो ही मत, इतनी ज़्यादा वो तारीफ़ किए जा रहा था। तो ये वाला जो वो है, वो मैंने इसका सेपरेट वीडियो बनाकर डाला है, उसका लिंक मैं दे दूँगी। आप लोग एक बार ज़रूर ये सब्ज़ी ट्राई करना, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसको राइस, रोटी, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हो, बट मुझे ये सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है रोटी और राइस के साथ। और ये वाली सब्ज़ी बनाने का ना सबसे बढ़िया बात पता है क्या होती है? एक तो ये बहुत जल्दी बन जाती है, दूसरी ये कि आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए रहती, एक प्याज और एक मलाई। दो चीज़ें अगर हैं तो फटाफट एकदम क्या बोलते हैं शाही जो सब्ज़ी होती है ना, वो बन के तैयार हो जाती है। तो अभी मैंने अंश की प्लेट निकाल दी है, उसके बाद फिर मैं सत्यम की प्लेट भी निकाल रही थी। वैसे सत्यम बहुत बदतमीज है यार, जल्दी वो खाना खाता नहीं है, तो उसको फिर मैंने प्लेट निकाल ही दिया। मैंने कहा इससे पूछूंगी तो ये खाएगा नहीं, इससे अच्छा निकाल के दे दो तो खा ही लेता है देर सवेर। तो चलो लंच करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मेरा लंच हो गया है और उसके बाद यहाँ पे देखो मैं कपड़े जो है आज मैंने बहुत सारे धुले, आज भी धुली हूँ, कल भी धुली हूँ। तो बस इन कपड़ों को इकट्ठे करके फोल्ड करना सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि यार धुलते समय तो सब एक साथ धुल जाते हैं वाइट एंड कलर्ड करके, बट इनको अलग करना बहुत बड़ा टास्क होता है। आयरन वाला अलग करती हूँ, फिर उसके बाद बच्चों का अलग, अपना अलग, राज का अलग, और उसी के साथ फिर डेली यूज़ वाले अलग, पार्टी मतलब वैसे कैजुअल यूज़ अलग, तो ऐसे करके ना बहुत सारे हो जाते हैं। तो अभी मैं प्रेस वाले अलग कर देती हूँ। सो
फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ मंदिर से और यहाँ पे जो है मैं बैठ गई हूँ एंजल की बुक्स वगैरह सब सेट करने के लिए, क्योंकि इसकी बहुत सारी बुक्स मिल नहीं रही थी तो फिर एक दो दिन मुझे जाना पड़ा, तब जाके इसकी सारी बुक्स आई हैं। अभी सिर्फ दो बुक्स बची हुई है और जब तक हम लोग ये सब कर रहे थे तब तक राज ने बना दिया एकदम टेस्टी टेस्टी सा डिनर। तो आज डिनर में राज ने मेथी वाले राइस बनाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, मतलब राज के हाथों से। मैंने कई बार ट्राई किया बट मुझसे नहीं बनते हैं। और इसको हम लोग मोस्टली खाते हैं मिक्स वाले अचार या मिर्ची वाले अचार के साथ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो कभी ना मैं राज को बोलूँगी ये वाला बनाने के लिए और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, मतलब कभी कुछ लाइट खाना हो ना और क्विक वाली रेसिपी चाहिए होती है ना, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और मेथी तो वैसे भी, मेथी के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और यहाँ पे एंजल देखो गरम गरम सा उसने खा लिया है और वो कैसे मुंह ऊपर करके पूरा उसको ठंडा कर रही है। तो चलो फिर हम लोग अपना डिनर करते हैं एंजॉय। और कल की अभी मुझे बहुत सारी तैयारी भी करनी है क्योंकि एंजू का स्कूल ओपन हो रहा है। तो फिर मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर हिट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।